यही दोस्तों स्वागत है आपका कपिल ओला फुटबॉल जीरो में। दोस्तों आज हम आए हैं आम की बाग में और आपको दिखाते हैं कि इस साल आम की फसल कैसी है। चलिए दोस्तों, इस साल आम की फसल काफ़ी कमज़ोर है। इस साल आम महंगा भी हो सकता है, 40 या 50 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकेगा। और आम की फलपट्टी जो मलिहाबाद क्षेत्र पड़ता है वहाँ भी आम कम है। तो जिन पेड़ों में थोड़े बहुत आम आए हैं उसमें चल के आपको दिखाते हैं अभी कौन कौन सी किस्में हैं। इसमें चौंसा भी है, बनासी लंगड़ा भी है, दशहरी है, जौहरी है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं लखनऊआ आम। ये आम जो यहाँ पे आम का साइज ये हो चुका है, इसको भी पकने में कम से कम एक मंथ या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और दिखाते हैं, यो ये है बनासी लंगड़ा, ये खाने में बहुत मीठा होता है। इसके आगे चौंसा पेड़ पड़ता है जो उसमें आम नहीं आए इस साल। ये चौंसा का पेड़ है, आप देख पा रहे हैं कितने नए कल्ले आ चुके हैं और कल्ले आने की वजह से इस साल जो है आम नहीं लगे उसमें। तो आगे के चलते हैं, अभी हमको एक एक पेड़ दिखाएंगे। ये है दशहरी आमों को राजा जिसको बोलते हैं। ये आम खाने में बहुत मीठा होता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसको पकने में भी एक से डेढ़ मंथ लग सकता है। और चलिए आगे चलते हैं, अभी इस आम का रेट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लगभग 40 या 50 के समथिंग पर किलो के हिसाब से आम बिकेगा। यह जब आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे पड़े हैं उसी में हम लोग चल रहे हैं जब, तो उसकी ये आवाज़ आ रही है। ये भी चौंसा का पेड़ है लेकिन इसमें आम नहीं है, आम इस साल नहीं आए हैं। इसको बोलते हैं जौहरी, ये भी देसी में आता है। आम ये बाग बहुत बड़ी है, करीब 15 एकड़ में है। आप देख पा रहे हैं इसके सामने ये मैलानी रेल प्रखंड जो लखनऊ से मैलानी तक जाती है, रेलवे पटरी भी है, उसके बगल में हाईवे है। तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं आम खाने के लिए, यहाँ पे खाने के कोई चार्ज नहीं लगते हैं, आप फ्री में खाइए। और झोला भी ले सकते हैं आप छोटा, लेकिन वो छोटा होता है जिसका झोले।